मिलत बैरिस्टर अशरफ जी नवीद साहब सदर मजलिस रुके पार्लियामेंट की हिदायत पर आज हैदराबाद कमिश्नर पुलिस सी वी आनंद साहब से मजलिस का एक वक्त मुलाकात किया, जिसमें जाफर हुसैन मेराज साहब MLA, मौजम खान साहब MLA, कौशल मोहद्दीन साहब MLA, गियाजुल हसन अफंदी MLC, अमीनुल हसन जाफरी MLC, ये तमाम लोग शामिल थे। मतलब ये था कि सदर मजलिस ने हिदायत दी कमिश्नर पुलिस को पाबंद किया जाए। हर साल रमजान में जिस तरीके से कारोबार होते हैं बिला रोक टोक के, बिला रुकावट के, वो कारोबार जारी रखने का इंतजाम करे। चुनाचे सदर मजलिस का प्याम कमिश्नर पुलिस को पहुंचाए। अल्लाह का करम है, आज से कारोबार बिल्कुल सुकून से होंगे और कोई बाजार बंद नहीं कराया जाएगा, कोई रुकावट किसी महकमे की तरफ से नहीं होगी। कारोबारी लोग आज़ादी के साथ पुरअमन तरीके से पुरसुकून माहौल में कारोबार करेंगे और ये इंतजाम महकमे पुलिस की तरफ से हुआ है कि कोई भी दुकान को, कोई भी कारोबार को रुकावट पुलिस की तरफ से नहीं होंगी, ना कोई कारोबार बंद होंगे। इसलिए ये कारोबार को जारी रखने का आज से सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाल्लाह खत्म रमजान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आवाम से, ताजरीन से खुसूसन अपील करूँगा कि पुरअमन तौर पर अपने कारोबार को जारी रखे और किसी की बातों में ना, किसी के बहका में ना आए, ना कोई अफवाहों पर कान धरे। नतीबे मिलत असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस का वक्त आज मुलाकात किया और ये पाबंद किया, सदर मजलिस का एक पैगाम पहुंचाया कि हर साल जिस तरीके से कारोबार रमजान में होते हैं वही कारोबार जारी रखे जाएंगे, किसी किस्म की रुकावट कारोबारी लोगों को नहीं होना चाहिए। चुनाचे ये पैगाम कमिश्नर तक पहुँचा दिया गया है और कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है आज से कोई दुकान, कोई कारोबार रुकावट नहीं रहेंगी, बिला रुकावट के, बिला दुकान बंद हुए के कारोबार जारी रखेंगे। पुरमन तरीके से लोग कारोबार करें, इंतजामिया के साथ ताउन करें। अगर कहीं कोई रुकावट है, कुछ है, तो आप मजलिस के काउंसलर MLA को इत्तला करें, अब इसमें आपके मुमकिन तौर पर मदद की जाएगी। लेकिन जो लोगों में तशवीश थी, बेचैनी थी, तो सदर मजलिस जो इन दिनों उमरे में है, वहां से उन्होंने पैगाम भेजा, उनकी पैगाम पर पहुंचा कर कमिश्नर पुलिस से भी बात करके निकले हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के करार तमाम कारोबार पुरसुकून अंदाज में होंगे।